शिवसेना पुरस्कृत सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल में विराजे मंगल मूर्ति श्री गणेश नगर सेवक रंगनाथ आउटी ने की कोरोना मिटाने की प्रार्थना। गजानन महाराज की जय। सत्यनारायण महाराज की जय। सर्वांगी सुंदर सेक्टर 2, 8 एवं 10 के श्री गणेश भक्तों के लिए सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल ने 1.5 दिनों के मंगल मूर्ति श्री गणेश की स्थापना की है। राजीव गांधी ब्रिज के नीचे मंडल अध्यक्ष रंगनाथ आउटी के नेतृत्व में आयोजित गणेशोत्सव में कोरोना से बचने जरूरी सावधानियां अपनाने के संदेश के साथ ही कोरोना योद्धाओं के प्रति आभार जताया गया है। आयोजक एवं मंडल के अध्यक्ष रंगनाथ आउटी ने बताया कि इस बार मात्र 2 दिनों का आयोजन है ताकि कोरोना संक्रमण और न फैलने पाए। शिवसेना नगर सेवक रंगनाथ आउटी ने विघ्नहर्ता से कोरोना को जल्द खत्म करने की गुहार लगाते हुए विश्वास जताया कि बप्पा मौर्या सबका विघ्न जरूर दूर करेंगे। जनता को गणेश चतुर्थी का मैं शुभकामना देता हूँ। ये साल हमारा गणपति का 30 ईयर्स इधर गणपति बैठता था, ये तीसरा साल है। तो तीसरा साल में आज आप देख रहे थे पूरा जग में रहने दो, महाराष्ट्र में रहने दो, पूरा इंडिया में कोरोना का थैमान हो रहा है। महामारी जो आया है उसके कारण से लिमिटेड लोगों में गणपति का यह स्थापना किया है और गणपति का भक्ति भाव से हम खाली 2 दिन जो हमारा 10 दिन का हमेशा 11 दिन जो भी रहेगा उसके हिसाब से था, लेकिन ये बार हमने 2 दिन का गणपति रहा। शिवसेना पुरस्कृत निरुड़ का सेक्टर 2, 8, 10 जो पहले से यहाँ गणपति हम रखते थे उसके हिसाब से इधर पूजा पाठ हो जाएगी। कल इनका विसर्जन हम भक्ति भाव से करेंगे। आपके माध्यम से हम ये बोलना चाहता हूँ का सब लोगों ने ये कोरोना के टाइम में ये महामारी से सोशल डिस्टेंसिंग रख के इसका पूजा करके और वो भक्ति भाव से ही जिसको किसको तकलीफ नहीं होना चाहिए इसके हिसाब से ये काम करेगा। मैं गणराय के चरण से ही प्रार्थना करता हूँ कि सबका ये महामारी का रोग जल्दी जल्दी निपट जाए जिसकी वजह से पूरा लोगों को या स्वास्थ्य के लिए आरोग्य के लिए बहुत अच्छा काम हो जाएगा और भगवान हमारा बात सुनेगा। दूसरा आपके माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि हमारा जो आपने देखा होगा क्या जो जो लोगों ने ये जगह जो जो लोगों ने कोरोना योद्धा करके काम किया है उनका सबका आभार
हमने आज ये जगह लगाया है, उसमें पुलिस रहने दो, नर्स रहने दो, डॉक्टर रहने दो, कर्मचारी, महानगर पालिका कर्मचारी सबका आभार माना है, और उसके लिए जो जो अपना काम सहयोग दिया है उसका सबका हमने ये हमारा मंडल ने उसका आभार प्रदर्शन किया है। बोलने का मतलब यही है कि ये 10 दिन निकालने के लिए अपने को सब जो भी प्रॉब्लम आ जाएगा ये गणपति में वो भगवान दूर करेगा, और हमारा मंडल के हिसाब से हम जो जो गणपति का घर में जो जो गणपति बैठा है उसका जो जो विसर्जन करने के लिए वो तालाब में जाना पड़ेगा, उधर जाने की जरूरत नहीं रहेगा, ऐसा हम आह्वान करेगा। आपके माध्यम से बोल रहा हूँ तो उसका गणपति हम खुद हमारा मंडल के कार्यकर्ता रहेगा, हम लोग हमारे सब शिवसैनिक रहेगा, वो तो गणपति हमको दे दिया नीचे ऑफिस में लाके, तो उसका भक्तिभाव से हम विसर्जन करके उसका पाठ रहेगा, उसका पूजा पाठ रहेगा, वो लाके दे देगा। ये अच्छा काम करने का हमने ये वक्त में सोचा है, तो इसलिए सब लोगों ने हमको सहयोग देने के बाद दे देगा, जिसके वजह से एक अच्छा काम हो जाएगा और लोगों को भी तकलीफ कम हो जाएगी, ये सोच के हमने ये काम किया है। आपके वजह से आपके माध्यम से इतना ही बोलना चाहता हूँ, सब ने अपने खुशी आ रहेगा, ये भक्तिभाव रहेगा, आराम से करो, लेकिन उसमें कोरोना फैलने का चांस मत दे दो, ये प्रार्थना मैं आप सब लोगों को करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ। वहीं शिवसेना के पदाधिकारियों ने कहा कि हाँ 30 सालों से गणेश उत्सव का भव्य आयोजन होता रहा है, लेकिन कोरोना महामारी न फैले इसके लिए हमने आयोजन दिवस को कम करने का निर्णय लिया। उन्होंने सामाजिक संदेशों का हवाला देते हुए विश्वास जताया कि दुखहर्ता और सुखकर्ता श्री गणेश हमारी प्रार्थना जरूर सुनेंगे और कोरोना महामारी को दूर करेंगे। सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल सेक्टर 2, 8 और 10, आज हमारा ये 30वां साल है, लेकिन इस साल हमें दुख हो रहा है कि हम लोग ये सिर्फ गणेशोत्सव 1.5 दिन मना रहे हैं। इसकी वजह यही है कि जो महामारी फैली है कोरोना के रूप से पूरे विश्व भर में, तो उसकी जो लोगों पे जो फैलाव हो रहा है इसको ध्यान में रखते हुए हमारे शिवसेना पक्ष प्रमुख और महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब ने आह्वान किया कि आप जो सार्वजनिक मंडल की मूर्ति है वो 4 फुट की रखो और घर की मूर्ति है वो 2 फुट के नीचे की रखो, तो उनके आह्वान को हम लोग ने प्रतिसाद दिया और हम लोग के मंडल ने तय किया कि इस बार हम लोग ज़्यादा महामारी न फैले इसलिए सिर्फ हमारा उत्सव 1.5 दिन ही मनाएंगे, और हमने एक सामाजिक संदेश भी दिया है कि किन किन लोगों ने जैसे पुलिस, बैंक कर्मचारी, डॉक्टर्स, नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारी कर्मचारी वर्ग, इनके हम लोग ने आभार माने हैं, और यहाँ पर देखेंगे कि हम लोग ने इस पीरियड में क्या क्या सेवाएं बंद थी, इसकी वजह से लोगों की जो तकलीफें लोग उठा रहे थे वो भी हम लोग ने लोगों को ध्यान में रखा है, और सामने हम लोग ने इस संकट से हमें मुक्तता दे ऐसे हमने गणराया के पास प्रार्थना की है, ताकि ये जो महामारी बीमारी है वो संपूर्ण विश्व से पहले हमारे महाराष्ट्र से नष्ट हो, फिर पूरे देश से हो और पूरे विश्व से नष्ट हो, ऐसे हम हमारे गणराया के पास हम लोग प्रार्थना करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि गणराया गणपति बप्पा सबकी सुनता है और निश्चित रूप से इसकी जो वैक्सीन है वो जल्द से जल्द आ जाएगी। हमारे इंडिया भी उस पर रिसर्च कर रही है और उसका निश्चित रूप से फल हमको 1-2 महीने में मिलेगा और ये पूरी महामारी हमारे भारत से और संपूर्ण विश्व से नष्ट होगी, ऐसी मैं आशा व्यक्त करता हूँ, गणराय के चरण में प्रार्थना करता हूँ, और मैं इस गणेशोत्सव के माध्यम से आप सभी जनता के, नवी मुंबई के जनता को, नेरुल की जनता को इस शुभ संदेश देता हूँ कि ये गणेशोत्सव आपको अच्छी तरह से फले फूले, आपके पूरे घरदार सुख शांति से रहे और ये कोरोना का पूरा मुक्तता हो जाए। आज जो संकट महामारीचं या कोरोनाचं आज आपल्या जगावरती, देशावरती, महाराष्ट्र प्रत्येक राज्यात, जिल्ह्यात, एका तालुक्यात आणि एका शहरामध्ये अशा पद्धतीत आलेलं आहे, आणि मी एकच या आपल्या नागरिकांना या माध्यमातून सांगू इच्छितो की आपण आज देखावा पण बघितला असेल की हा देखावाही कोरोनाच्या माध्यमातून आम्ही लिहिलं आहे, गणराया आम्हाला यातनं मुक्ती दे, या नवमुंबईकरांना, या महाराष्ट्रातल्या, अख्ख्या जगातल्या, देशातल्या लोकांना मुक्ती दे,
आणि प्रत्येक जण भक्त या ठिकाणी येऊन तीच एक प्रार्थना करतोय की गणराया आम्हाला या कोरोनातून मुक्त कर आणि जसं आमचं पूर्वीचं जीवन होतं तसं आम्हाला त्या पद्धतीत परत या ठिकाणी आण आणि सुखात ठेव. मी नागरिकांना हेच गणराया विघ्नहर्त्या समोर प्रार्थना करतो की जसं आमचं पूर्वी सगळेजण आनंदामध्ये आणि एकदम सर्व एकत्र आणि ह्या माध्यमातून राहत होते अशा राहत होते तर तसंच एक सुख परत आम्हाला या ठिकाणी दे आणि यातून आम्हाला सगळ्यांना कोरोनातून मुक्त कर. आणि आम्ही जो संदेश दिलेला आहे मंडळाच्या माध्यमातून हा संदेश लोकांपर्यंत आपल्या माध्यमातून जातोय. मी खरोखर आपल्याही माध्यमाचं मी मनापासून धन्यवाद देतो. बता दें कि नेरुल का यह सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल हर साल धार्मिक आयोजन के जरिए सामाजिक प्रबोधन और संदेश देने का काम करता रहा है. इस बार कोरोना से बचने और संक्रमण को रोकने के संदर्भ में यहाँ विविध प्रकार के संदेश देने की कोशिश की गई है जो एक सराहनीय पहल है. नमस्कार, गणपती बाप्पा मोरया सर्वांना गणेशोत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा. सध्या आपल्या देशावरती कोरोनाचे संकट आलेले आहे. गणरायाच्या चरणी मी प्रार्थना करते की लवकरात लवकर कोरोनाचे संकट टाळावे आणि आधीसारखे सर्वांचे जीवन सुखमय व्हावे आणि पुन्हा एकदा श्रीनगर व नेरुळ वासियांना गणेशोत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा. ब्युरो रिपोर्ट, टीव्ही वन इंडिया. लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें.